कहते हैं कि नारी का सम्मान जहाँ होता है वहाँ देवता भी निवास करते हैं, और नारियों के सम्मान में हर साल 8 मार्च को जागतिक महिला दिन भी मनाया जाता है। और इस खास मौके पर हमारे खास मुलाकात इस कार्यक्रम में मैं क्षितिजा देशमुख आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और इस कार्यक्रम में इस खास मौके पर हमारे साथ मौजूद है नागपुर शहर के परिमंडल क्रमांक 2 के DCP विनीता जी साहू। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका इस कार्यक्रम में। आज हम आपसे मतलब आपके बचपन से लेकर यहाँ तक की मतलब जो सफ़र है, बुलंदियों पर आप पहुँच चुकी हो, तो इस सफ़र की थोड़ी सी चर्चा करेंगे और हमारे दर्शकों से आपको रूबरू करवाएंगे। सबसे पहला मेरा सवाल आपको ऐसा है कि जो ये खाकी वर्दी है इसका रुतबा अलग ही होता है, क्या कहें बताना चाहोगे कि मतलब कैसे, क्या मतलब आप IPS हुए हो, मतलब क्या सफ़र था, किस तरह से मतलब ये फील्ड में आना कैसे क्या सोचा आपने? देखिए, हर बार जो बच्चे होते हैं उनसे पूछा जाता है आप बड़े होकर क्या बनना चाहोगे, तो ये समझ जो है आने के लिए कुछ समय लगता है कि वो क्या बनना चाहेंगे, क्योंकि जो बच्चे होते हैं उनके लिए नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। तो इसी तरीके का मेरा भी सफ़र रहा। शुरुआत में मैं ये स्टोरी हर किसी को बताती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि लोग ये बिलीव करें कि सपने सच होते हैं। जब मैं छोटी थी, 5 साल की थी करीबन, तब हमारे घर के आसपास एक गाड़ी आके रुकी जिस पर एक रेड एम्बर लगा हुआ था ऊपर, जिसे हम लाल बत्ती बोलते हैं। और उसके बाद मैंने अपने पिताजी से गुजारिश की कि मुझे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी चाहिए। तो मेरे पापा का कहना था कि बेटा वो हम आपको नहीं ला के दे सकते। तो मैंने उनको कहा कि अपने पास जो कार है उसके ऊपर आप लगा दीजिए। पापा ने कहा कि ऐसे पॉसिबल नहीं होता है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ऑफिसर बनना पड़ेगा, IAS IPS बनना पड़ेगा, तब आपके पास में ये लाल बत्ती वाली गाड़ी मिलेगी आपको। तो छोटे बच्चे जैसे हर चैलेंज को स्वीकार कर लेते हैं, वैसे ही आई ऑल्सो एक्सेप्टेड। और मैंने तब से ठान लिया कि आई विल बिकम अ सिविल सर्वेंट। और मैं जब भी ऐसे कॉम्पिटिशन होता था माय गोल के बारे में, तब यही लिखा करती थी। और फिर ये शुरुआत में इस तरीके से हुआ, बट धीरे धीरे जो है इसके बारे में पता लगा जैसे जैसे हमारा एजुकेशन हुआ, और बाकी जब हम इसके बारे में प्रेपरेशन करना शुरू किया तब पता चला कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, और इसमें कितनी ज़्यादा जिम्मेदारी का काम है ये, और इसको अचीव कर पाना भी इजी नहीं है। इसके लिए करीब 4.5 लाख बच्चे हर साल इस एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो इसका प्रेपरेशन भी काफ़ी डिफ़िकल्ट था। तो ऑब्वियसली शुरुआत भले ही एक छोटी सी लाल बत्ती की गाड़ी देखकर हुई हो, पर जो आगे रियलाइजेशन था वो यही था कि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और थैंकफुली जो हमने मेहनत किया, जो सपना देखा, वो फाइनली सक्सेसफुली अचीव किया। ये काफ़ी स्ट्रगल रहा, काफ़ी इसके बारे में जो प्रिपरेशन था उसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं था, इसके बारे में कोई कोचिंग भी नहीं थी। बट जब एक बार कोई ठान लेता है तो राहें अपने आप बनने लगती हैं। ये बात तो सच है। बचपन किस तरह से रहा है, मतलब जब आप स्कूल में थी, कॉलेज में थी, तो किस तरह से पढ़ाई, मतलब कैसा बचपन गुजरा है? देखिए, आई वॉज़ अ ब्राइट स्टूडेंट, हमेशा से ही आई वॉज़ अ टॉपर इन द क्लास, और इस वजह से एक जो है कहा जाएगा कि पेरेंट्स को भी हमेशा ये लगता था कि कहीं बाहर से कोचिंग देने की ज़रूरत नहीं है, या फिर इस तरीके से उनको लगता था कि इसने जो सपना देखा है ये पूरा करेगी, तो कभी प्रेशर नहीं रहता था पढ़ाई का। और इसी तरीके से जो है आई वॉज़ वेरी वोकल, और अपने जो भी सारे इवेंट्स होते थे स्कूल में आई यूज़ टू एक्टिवली पार्टिसिपेट, चाहे वो एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन हो, पोएट्री कॉम्पिटिशन हो, या डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो, तो मैं एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी। इसके अलावा जो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते थे उसमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट रहता था, पेरेंट्स काफ़ी एंकरेज करते थे ये सारी एक्टिविटीज़ टेकअप करने के लिए। और मेरे पेरेंट्स इवन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के ये
मैगजीन्स आते थे वो भी दे यूज़ टू गेट फॉर मी सो दैट मेरा ओरिएंटेशन जो है मेरा जो एम है उसके लिए मैं दूसरों को देखकर दूसरों की सक्सेस स्टोरीज देखकर इंस्पायर हो सकूं। और फिर उसके बाद जब स्कूल में प्लस टू का टाइम आया जब हमको सब्जेक्ट लेना पड़ता है और डिसाइड करना पड़ता है कि हमारा फ्यूचर कहाँ जाएगा देन आई टुक अप द साइंस स्ट्रीम साइंस विद कंप्यूटर साइंस मेरा स्ट्रीम था। उसके बाद जब मैंने डिसाइड किया कि मैं आर्ट्स लेना चाहती हूँ और बीए करना चाहती हूँ दैट वाज अ शॉकर फॉर एवरीवन क्योंकि हर कोई सोचता है कि जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं या जो ब्राइट बच्चे हैं उन्होंने साइंस या मैथ्स या फिर इंजीनियरिंग करना चाहिए डॉक्टर बनना चाहिए बट व्हेन आई सेड कि मुझे बीए करना है तब सभी सरप्राइज्ड हो गए थे। और आर्ट्स में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा था आई हैव आर्टिस्टिक बेंट ऑफ माइंड पेंटिंग वगैरह काफ़ी शौक है। इसके अलावा जो सब्जेक्ट्स हैं मेरे हिस्ट्री सोशियोलॉजी इंग्लिश लिटरेचर ये मेरे सब्जेक्ट थे बीए में तो इनमें मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था। और ये मेरे आगे जो मैं सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर करना चाहती थी उसमें भी हेल्पफुल सब्जेक्ट्स थे तो जब मैंने वो सब्जेक्ट लिया तो दैट वॉज सरप्राइजिंग फॉर ऑल बट आई थिंक अगर आप जो जिस चीज़ में फॉर्मली बिलीव करते हैं वो काम करें तो आप सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। जैसे कि आप सिविल सर्विस में हो तो आपके घर से भी कोई सिविल सर्विस में इससे पहले था? नहीं मेरे जो फादर थे वो बिजनेसमैन थे एंड वी हैड जो फार्मिंग का हमारा काफ़ी लार्ज स्केल पर काम था बट हमको हमेशा हमारे जो पेरेंट्स थे उन्होंने हमेशा इंकरेज किया कि जो भी हम जिस फील्ड में भी जाना चाहें उसके लिए दे सपोर्टेड विद फुल हार्ट। बिल्कुल पेरेंट्स का सपोर्ट जो रहता है ये महत्वपूर्ण रहता है। ये जो आप वर्दी पहने हो वर्दी का मतलब अलग ही ये रहता है सबको लगता है कि हम भी वर्दी पहने तो इसके लिए क्या क्या करना चाहिए क्या बताना चाहोगे? देखिए जो ये वर्दी है उसका हमारे लिए तो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है हमारे लिए हमारा जो धर्म है वो हमारा कर्म है तो जो हमारे कर्म को हमेशा याद दिलाती है वो ये हमारी वर्दी है। और मैं हमेशा ये फ्रेज़ यूज़ करती हूँ कि वर्दी इज़ वर्दी तो इसमें मैं बहुत फर्मली बिलीव करती हूँ। जो लोग ये चाहते हैं कि वो भी ये वर्दी पहने इसके लिए वो पहले ये जान लें कि ये बहुत आसानी से नहीं आपको मिलने वाली आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी आपको भी पूरे जोश के साथ अपने सपनों में बिलीव करना पड़ेगा तब जाके ये वर्दी आपको हासिल हो पाएगी। और जब ये वर्दी आती है जैसा कि कहा जाता है कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ये वर्दी में अगर एक ग्लैमर है एक चकाचौंध है और एक अट्रैक्शन है तो उसी के साथ में इसके साथ जुड़ा हुआ है एक जिम्मेदारी का एहसास। और जो समाज जिसको आप सर्व कर रहे हैं क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं तो अगर आप जनता की सेवा करने के लिए फील्ड में आए हैं और ये वर्दी पहनी है तो निश्चित ही ये वर्दी आप पर ज़रूर अच्छी लगेगी और इस वर्दी की वजह से कई लोगों को जो है आप न्याय दे पाएंगे। बिल्कुल जिस तरह से आपने बोला कि जिम्मेदारियां तो है लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। आप एक महिला ऑफिसर हो तो पुरुष ऑफिसर की तुलना में महिला ऑफिसरों को जो है किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? देखिए थोड़ा डिफ़िकल्ट तो रहता है क्योंकि पुलिसिंग शुरुआत से जो है पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है तो थोड़े चैलेंजेस जो हैं वो तो फेस करने पड़ते हैं जो ट्रेनिंग से ही शुरू हो जाते हैं। ट्रेनिंग में यूजुअली आप एज अ स्टूडेंट रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एक हाथ दो साल आपको किसी और सर्विस में होता है और जब आप IPS की ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं तब जो शुरुआत होती है आपको एक आम इंसान से एक डिटर्मिंड ऑफिसर में चेंज करने के लिए जो एक पूरा प्रोसेस रहता है ये निश्चित ही आपको बदलता है। और ऐसे में कोई भी IPS की जो ट्रेनिंग है इसमें कोई भी पक्षपात नहीं किया जाता है कि महिला अधिकारी हैं तो उनसे थोड़ी कम और इजी ट्रेनिंग कराई जाए और पुरुष अधिकारियों से डिफ़िकल्ट ट्रेनिंग करी जाए। इनफैक्ट दोनों को बराबर तरीके से ट्रेन किया जाता है और चाहे वो इंडोर क्लासेस हों चाहे आउटडोर्स हों
चाहे वो हॉर्स राइडिंग हो, चाहे वो अनआर्म्ड कॉम्बैट हो, बाकी के जो इवेंट्स हैं उसके अंदर हर चीज़ में आपको एक्सेल करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि तभी से शुरुआत हो जाती है जब आप अपने मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से आप ज़्यादा दृढ़ हो जाते हैं, और उसके बाद जब आप फील्ड में आते हैं तो आप ये महसूस करते हैं कि देयर आर सम प्रॉब्लम्स, क्योंकि बीइंग अ लेडी आप ऐसे रिमोट एरियाज़ में काम करते हैं जहाँ शायद वॉशरूम्स नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, जो कि अभी भी कई जगह प्रॉब्लम है, बट वी आर वर्किंग ऑन दैट। काफ़ी अच्छे से इसके लिए जो है गवर्नमेंट ने इस चीज़ को काफ़ी सीरियसली लेके इन सारे मुद्दों पर काम शुरू किया हुआ है, एंड दे आर इंश्योरिंग दैट। बट ऐसे जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आते हैं उनको शुरुआत में थोड़ा चैलेंजेस रहते हैं, बट धीरे धीरे आप अडॉप्ट करते हैं सारी सिचुएशन के, और यही चीज़ें आपको और स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो जब आप फाइनली फील्ड में काम करने लगते हैं तो आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट नहीं लगती हैं और आप अपना खुद का ही एक नया रूप देखते हैं। तो ऑब्वियसली चैलेंजेस हैं क्योंकि काफ़ी चीज़ें संभालनी पड़ती हैं बीइंग अ लेडी, बट आई थिंक ये उतना ही फ्रूटफुल भी है क्योंकि आपको उतना ही ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलता है लोगों से। ये बात तो है, रिस्पेक्ट तो मिलता है क्योंकि वर्दी है, वर्दी का रिस्पेक्ट जो है हर लोग जो है, मतलब सामान्य से सभी लोग जो है, नेताओं तक सभी सम्मान करते हैं। बिल्कुल। ड्यूटी के दौरान ऐसा कोई खास अनुभव रहा हो कि वो अभी भी ध्यान में है कि हाँ ये अनुभव मुझे आया है, ये एक्सपीरियंस आया है, तो ऐसा कुछ? जी, अच्छे बुरे दोनों ही अनुभव आते हैं, हर सर्विस में आते हैं। तो एक बहुत अच्छा अनुभव मैं आपको बताऊंगी। जब मैं भंडारा एसपी थी तब एक स्टूडेंट थी जो मेरे पास में मुझे मिलने के लिए आई, और उसने मुझे बताया कि वो 2 साल से मुझसे मिलने की कोशिश कर रही है बट समहाउ होता नहीं था, आ नहीं पाती थी, वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। तो फाइनली वो मेरे पास आई और उसने मुझे बताया कि मैम, जब मैंने शुरुआत में आपके बारे में पढ़ा पेपर में, उसके बाद न्यूज़ में देखा, उसके बाद मुझे आपसे मिलने की और आपके जैसा होने की काफ़ी इच्छा थी, तो मैंने अपनी व्हाट्सएप जो प्रोफाइल पिक है वो आपकी पिक रख ली ताकि मुझे हमेशा अपना एम याद आता रहे, और मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं तब तक अपनी प्रोफाइल पिक नहीं बदलूंगी जब तक मैं आपसे मिलूंगी नहीं। और फाइनली जब वो बच्ची मेरे पास आई, वो जर्नलिज्म की छात्रा थी, उसने मेरे ऊपर पूरा एक प्रोजेक्ट किया था, पूरा मेरे लाइफ के बारे में, मेरे पिछले सर्विस के बारे में, मेरे जो अचीवमेंट्स थे वो सारे उसने कंपाइल किए थे और वो मुझे उसने गिफ्ट किए। और जब उसने फाइनली मेरे साथ उस दिन सेल्फी जो निकाली, उसके बाद उसने उसको प्रोफाइल पिक बनाया और आज तक वो उसकी प्रोफाइल पिक है। तो देखिए, आप जो बता रहे हैं चैलेंजेस वगैरह जितने भी रहते हैं या जितना स्ट्रेस रहता है सर्विस में, अगर ऐसा एक अनुभव आपको मिलता है तो अगले 10 साल आपको चार्ज कर देता है कि आप खुशी खुशी अपनी सर्विस करें। बिल्कुल, चुनौतियाँ जो है वो भी मतलब जी हंसते हंसते चुनौतियों को पार कर जी जाएंगे। जी हाँ बिल्कुल। जी मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि हर क्षेत्र में जो है महिलाएं आगे बढ़ रही है, और अब पुलिस विभाग में जो है, डिपार्टमेंट में काफ़ी महिलाएं हम देखते हैं, तो आगे भी महिलाएं इस फील्ड में आए, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, निश्चित ही पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है महिलाओं के ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन की, और जैसा कि डिसाइड किया गया है 33% के आसपास अभी महिलाओं का समावेश हो रहा है पुलिस डिपार्टमेंट में, और महिलाओं की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है डिपार्टमेंट में, और इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट को एक ह्यूमन टच मिले, और जो एक सेंसिटिविटी होती है, यूजुअली जो बताया जाता है कि महिलाएं जो हैं ज़्यादा संवेदनशील होती हैं समस्याओं के प्रति, और स्पेशली महिलाएं अगर अप्रोच करती है पुलिस स्टेशन में तो उनको एक अच्छा वातावरण मिले, उनको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले जहां पर वो देखें कि महिला कर्मचारी अधिकारी उनके समस्याएं सुन रही हैं, तो वो ज़्यादा इजीली अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हैं। तो पुलिस स्टेशन तक आने का जो है उनका एक जो एक्सपीरियंस है उसको अच्छा करने के लिए, उनकी समस्याओं को इफ़ेक्टिवली सॉल्व करने के लिए, एक सेंसिबल पुलिसिंग के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए, मेरे ख्याल से एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं पुलिस डिपार्टमेंट में आएँ। और मैं जो यूथ है जो प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी भी वैकेंसीज निकली हुई हैं जो इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें महिलाओं को मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने के लिए आई विल अपील,
ताकि और जो रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़े। बिल्कुल, जैसे कि हम देखते हैं निर्भया कांड हो गया जो हैदराबाद वाला मैटर था, और इसके बाद अब जो आयशा, तो लगता है जिस तरह से हम महिला दिन या महिलाओं के बारे में बोलते हैं कि हाँ महिलाओं ने प्रगति की है, तो ये सब घटनाओं को देखा जाए तो लगता है कि महिलाएं अभी भी दुर्बल, मतलब दुर्बल है। देखिए, जो घटनाएं हैं वो निश्चित ही बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बट ओवरऑल इस तरीके से हम नहीं कह सकते कि महिलाओं ने प्रगति नहीं की है। इनफैक्ट हमारा जो देश है वो टाइम इमेमोरियल से अगर देखा जाए तो इसे अर्धनारेश्वर, जो भगवान को भी अर्धनारेश्वर के रूप में पूजा जाता है, मतलब महिला के बिना भगवान भी पूरे नहीं है ऐसा माना जाता है। तो ऐसे में जो हमारा हिस्ट्री ही है वो पूरा बेस्ड है कि महिलाओं के सशक्तिकरण के और महिलाओं की शक्ति को पूजा जाता है हमारे देश में। तो ऐसा कहना कि महिलाएं प्रगतिशील नहीं हैं वो तो गलत होगा, बट हाँ ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं उनको रोकने की और ऐसे इंसिडेंसेस में जो लोग जिम्मेदार हैं उनको प्रॉपर शिक्षा देने की ज़रूर ज़रूरत है, ताकि बाकी की जो महिलाएं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। आज महिलाएं हर फील्ड में आगे हैं, आप देखेंगे कि जो हर फील्ड में बेस्ट आप अगर निकालेंगे तो महिलाओं का ही संख्या जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगी। इवन जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर भी जो बड़ी बड़ी कंपनियों का नेतृत्व जो है महिलाएं कर रही हैं, हमारे देश में भी हर फील्ड में चाहे आर्मी हो पुलिस हो, जो पुरुष प्रधान क्षेत्र माने जाते थे वहाँ महिलाएं हैं। इसके अलावा जो सोशल वर्क है या सामाजिक सेवा के क्षेत्र में भी महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं इस तरीके की घटनाएं अगर हम टालना चाहते हैं तो अपने राइट्स के बारे में जानें, अपने लीगल राइट्स के बारे में जानें, उनके जो हक हैं उनके लिए जो कानून बनाए गए हैं कायदे बनाए गए हैं उसके बारे में उनको प्रॉपर जानकारी हो, और वो कभी भी ऐसी घटनाओं से डरे नहीं झुके नहीं, वो पूरे साहस के साथ इसका सामना करें, यह बहुत ज़रूरी है। निश्चित ही कि साहस के साथ अगर हम सामना करते हैं किसी भी चुनौती का तो निश्चित ही उसका हल हमें मिल जाता है। मेरा सवाल है कि हम पिछले 1 साल से जो है कोरोना की लड़ाई से जूझ, मतलब लड़ रहे हैं, तो ये पीरियड, ये दौर ऐसा था कि प्रशासन, आरोग्य विभाग हो, सभी को ये नया दौर था, तो आपके सामने कैसी चुनौतियाँ रही और इस दौरान जो है कोरोना के टाइम कैसे आपने घर और ड्यूटी संभाली? देखिए, कोरोना निश्चित ही हर किसी के लिए एक चुनौती भरा काल रहा है और अभी भी जो है हम इस चैलेंज को फेस कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब कोरोना शुरू हुआ तो किसी को भी नहीं पता था कि इसको कैसे डील करना है, क्योंकि आपके सामने जो आपका शत्रु या एनिमी है वो विजिबली नहीं है, तो उसको आप कैसे, जो जैसे आप देख नहीं सकते उसको आप कैसे फेस करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट पुलिसिंग जब हम लोग डिसाइड कर रहे थे कि हमारी क्या SOPs रहेगी, तब यही था कि हमको दूसरों की सेफ्टी इंश्योर करनी है, बट साथ साथ में जो हमारे फील्ड पर रहने वाले जो स्पेशली पुलिसकर्मी हैं, जो हमारा फील्ड का स्टाफ है, उनका भी हमको सिक्योरिटी और सेफ्टी इंश्योर करना था। ये एक ऐसा काल था जब हमने पुलिसिंग किया, जब हम हर किसी को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि वो घर में रहें, अगर एसेंशियल सर्विसेज अवेल करने के लिए नहीं बाहर निकल रहे हैं तो घर पर ही रहें। और उसी दौरान मार्च 23 के आसपास ये शुरू हुआ था, तो काफ़ी तेज़ धूप में हमारे लोग 24 घंटे रोड पे रहते थे, नाकाबंदी लगी हुई थी, और फिर उसके बाद में शुरुआत हो गई कि कोविड केयर सेंटर शुरू हुआ, क्वारंटाइन सेंटर्स शुरू हुए, शेल्टर होम शुरू हुए, जो माइग्रेंट लेबरर्स थे जो प्रवास कर रहे थे अपने अपने घरों की ओर, कोई केरल से आया था, कोई गुजरात से आया था, कोई ऑल ओवर इंडिया जो है एक माइग्रेशन का जो दौर शुरू हुआ था, तो वो भी पुलिस को क्योंकि आदेश थे कि उनको जहाँ पर है वहाँ पर ही सुरक्षित रोका जाए, तो उनका भी मदद करने के लिए पुलिस ने जो हाथ आगे बढ़ाया,
और रेगुलर पुलिसिंग करने के अलावा जो उनको प्रॉपर एक्सटेंड हेल्प जो लोगों को एक्सटेंड की गई, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रेस्ड लोग थे, जो डेली वेजर्स थे और बाकी सबकी मदद के लिए पुलिस ने एनजीओस की मदद से और ख़ुद की ओर से कपड़े, खाने का सामान, पानी और मास्क, सैनिटाइजर्स, ये सब वाटप किया। तो एक जो पुलिस के बारे में लोगों का एक दृष्टिकोण था, उसमें काफ़ी चेंज देखने को मिला, क्योंकि लोगों ने पहली बार, मुझे ऐसा लगता है कि एंड आई एम वेरी लक्की टू सी दैट टाइम, जब लोगों ने अप्रिशिएट किया पुलिस का काम और लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि पुलिस इज़ एक्चुअली हार्ड वर्किंग एंड पुलिस इज़ नॉट द वन जिसे कि मूवीज़ या सिनेमा में दिखाया जाता है कि हमेशा करप्ट ही है या फिर हमेशा लास्ट रिस्पॉन्डर है। इस तरीके का पुलिस का इमेज जो बनाया गया है वो ज़रूर इससे निश्चित ही असली रोल जो है पुलिस का वो लोगों के सामने आया। और घर का जो आप बता रहे हैं निश्चित ही, क्योंकि घर के बाकी सदस्य घर पर ही रहते थे और हम ही लोग बाहर निकलते थे, तो हमेशा ये डर बना रहता था, क्योंकि मैं हॉस्पिटल्स भी विज़िट करती थी और क्वारंटाइन सेंटर्स में कई बार कुछ समस्याएं होती थी तो वहाँ जाकर उनको डील करना, तो और नाकाबंदी चेक करना, हमेशा फील्ड पर ही होते थे तो हमारा एक्सपोजर बहुत ज़्यादा था। और हमको ये प्रॉब्लम था कि अगर हम घर जाएं तो कहीं कैरियर की तरह ना एक्ट करें, तो इसके लिए हम लोगों का एंट्री डिफरेंट हो गया था घर जाने के लिए, बाकी एंट्री से अलग आते थे। फिर उसके बाद में अनटिल एंड अनलेस वी टेक द बाथ एंड चेंज, तब तक हम किसी से टच नहीं कर सकते थे, किसी से मिल नहीं सकते थे। आई हैड अ पेट डॉग ऑल्सो, जो कि जिसको आदत है कि जैसे ही आप जाएं तो ही विल जंप ऑन यू, तो उसको जब हम अलग कर देते थे तो उसको लगता था कि क्या हो गया, मुझे क्यों दूर कर रहे हैं, तो वो भी बड़ा साइकोलॉजिकली बड़ा डिस्टर्ब हो जाता था। सो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिसको लेकर जो है फैमिलीज़ जो हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कोपअप किया और हमारे साथ अडॉप्ट भी किया इस चीज़ को, जो है फूड वगैरह सारा पहले शुरू में अलग रहता है ये सारा। तो कई बार अगर आप ड्यूटी के बीच में आपको टाइम मिलता है तो आप बाहर से ही खाना खा के निकल जाते हैं, आप घर के अंदर भी नहीं जा सकते, तो इस तरीके की काफ़ी चीज़ें हुई। बट मेरे ख्याल से ऐसा जो समय रहता है, जो टफ टाइम रहता है, वो फैमिली बॉन्ड्स को भी और इवन प्रोफेशनल बॉन्ड्स को भी, जो हमारे पूरा कॉन्स्टेबलरी के साथ में जो हमने मिलकर काम किया, मुझे ऐसा लगा कि प्रोफेशनल और फैमिली बॉन्ड्स दोनों ही ज़्यादा स्ट्रांग हुए इस दौरान। बचपन से लेकर यहाँ तक, मतलब IPS तक का सफ़र कैसा रहा? देखिए, मेरे लिए तो एक ड्रीम कम ट्रू है। कहा जाता है कि हर सपना सच नहीं होता, पर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि भले ही मेरे सारे सपने सच ना हो, बट जो एक सपना सच हुआ है उसकी वजह से मुझे लगता है मेरे सारे दूसरे सपने अपने आप सच हो गए। तो एक IPS होने के लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि एक डिटर्मिनेशन की ज़रूर ज़रूरत है। उसके साथ साथ ही जब मुझे IAS भी मिल गया इसके बाद, तब मेरे सामने एक और प्रश्न आ गया कि IPS या IAS में से चुनना क्या है। बट क्योंकि IPS के साथ मेरा लगाव इतना बढ़ चुका था और मैंने सर्विस का जो सारा पॉजिटिव नेगेटिव हर एस्पेक्ट जो है उसको अच्छे से जाना, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं IPS को ज़्यादा अच्छे से मेरे दिल के ज़्यादा करीब रहेगा और इसको मैं ज़्यादा न्याय दे पाऊँगी और इसके द्वारा मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँगी, क्योंकि इसका रीच बहुत ज़्यादा है और लोग तुरंत आपके पास आते हैं और आप उनको, मुझे ऐसा लगता है एक इमीडिएटली आप उनको जो है एक एक तरीके से एक न्याय तो थोड़ा दूर की बात है, बट एक इमीडिएटली आप उनको एक सेटिस्फेक्शन दे सकते हैं जब आप उनकी बात अगर प्रॉपरली सुन लें और उस पर आप तुरंत एक्ट करें, तो उनका आप पर विश्वास, पुलिस पर विश्वास जल्दी से बैठता है। तो मेरे ख्याल से ये जो सर्विस है इसने मुझे सब कुछ दिया और स्पेशली जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कोरोना के टाइम पर, जब हमने देखा, जब हम फ्लैग मार्चेस करते थे
और लोगों में जन जागरूकता फैला रहे थे कि सैनिटाइज़र, सामाजिक दूरी और ये सब क्यों इम्पोर्टेंट है। इस उस दरमियान जब फ्लैग मार्चेस के दरमियान हमने बारिश हो चाहे धूप हो, हर हर परिस्थिति में हमने मार्चेस किए, तब लोगों ने जब हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए तालियां बजाई, किसी ने कोई स्लोगन दिया, किसी ने कोई राष्ट्रभक्ति का गीत गाया, और सबसे स्पेशल जब हमारी टीम के ऊपर लोगों ने पुष्प वर्षा जैसे किया, तो वो जो मोमेंट है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मेरे ख्याल से वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की लाइफ में जो है एक यादगार लम्हा है। एक छोटा सा बच्चा था जो आर्मी की ड्रेस पहना हुआ था, वो हमारे पास में आकर सल्यूट कर हमको स्वीट्स दे रहा था। वो भी एक बड़ा भावुक क्षण था हमारे पुलिसिंग का कोरोना के दरमियान। तो जो एज छोटे बच्चे से उस बच्चे में मुझे मैं खुद नज़र आई, तो एक छोटे बच्चे से एक आईपीएस ऑफिसर का जो सफ़र है वो निश्चित ही उतार चढ़ाव वाला रहा है। बट मेरे ख्याल से आप अगर हॉस्पिटल में देखें, अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, तो अगर एक सिंगल लाइन आ जाती है मतलब आप मृत हो गए हैं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप जीवित हैं। तो आई थिंक आईपीएस ने मुझे ये सब सिखाया है, आई एम प्राउड टू बी एन आईपीएस। बिल्कुल। एक जो है आखिरी का जो सवाल है, और बहुत महत्वपूर्ण सवाल नहीं, मतलब आपकी ओर से संदेश जो युवाओं को जो इस क्षेत्र में जो है आना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, क्या कहोगे? देखिए, सभी युवाओं को मेरा एक ही बोलना है कि आप एजुकेशन का जो इम्पोर्टेंस है ज़रूर समझें। एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, अगर आप अपने शिक्षण पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपको आगे चलकर जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ ग्रेजुएशन कर लेना होता है। आई एम सेइंग कि आप अपना जो भी फील्ड में आप एक्सेल करना चाहते हैं, चाहे आप एक अच्छे डांसर बनना चाहें, एक अच्छी ब्यूटिशियन बनना चाहें, इनफैक्ट आप अगर अच्छा एक सलून चलाना चाहें, या फिर आप एक स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहें, उसमें आप एक्सेल करिए, पर साथ साथ आपके एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस दीजिए। हमको हर फील्ड में लोगों का, हर प्रोफेशन में जो एक्सेल करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो आप अपना ड्रीम एक ज़रूर रखें, एक गोल ज़रूर रखें, एक लॉन्ग टाइम गोल रखें और कुछ शॉर्ट टर्म गोल्स रखें। तो जो आपका लॉन्ग टाइम गोल है उसको अचीव करने के लिए जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स हैं वो आपकी बहुत मदद करेंगे। तो अपना गोल ज़रूर रखें, अपना लक्ष्य ज़रूर रखें, और वो विश्वास ज़रूर रखें कि आप अपने लक्ष्य को ज़रूर पाएंगे। और मैं, जैसे कि मेरे केस में हुआ है, मैं आप को ये विश्वास दिलाती हूँ कि सपने सच होते हैं और राहें अपने आप बनेंगी जब आप एक बार उस राह पर चल पड़ेंगे। खूब लड़ी वो मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमारे साथ बातचीत की और आपकी जानकारी जो है हमारे साथ साझा की, और आपका कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खास मुलाकात इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है यही रुकने का। मैं आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं अगले खास मुलाकात में ऐसे ही एक व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।